सेल्फ मैस्टरबेशन यूट्यूबर्स तुम्हें मीठी गोली खिलाकर 5 मिनट की खुशी दे देंगे, पर सच्चाई तुम्हें भी पता है तुमसे 100 times बेटर लुकिंग मैन एक डोपामिन फील्ड लाइफस्टाइल जी रहा है। Isn't that right? My purpose is to leave a legacy 100 years from now. I just get goosebumps imagining a future जब मेरा great 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 grandson मेरी फोटो देखकर बोले कि ये हमारे दादा थे। Because you might never become a child, but your son can be. मैं यहाँ पर मिलियनेयर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज इतना पैसा कमा लो कोई भी खाने की चीज लेने से पहले सोचना ना पड़े, फिर चाहे वो वे प्रोटीन हो, चिकन हो, डेयरी हो, पीनट बटर हो। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर ये पूरा नहीं किया, आई डोंट थिंक तुम्हें किड्स फ्यूचर में करने भी चाहिए। अगर तुम यही सोचकर फ्यूचर में सैड होने वाले हो कि प्याज इस बार 100 रुपए किलो हो गए, सब्जी कैसे बनाएंगे, देन इट इज ओवर फॉर यू, ओवर फॉर योर ब्लड लाइन। तुम्हें इतना तो कमाना ही पड़ेगा कि तुम अपने बच्चों को डाइट में जीरो इश्यूज आने दो। जीरो मतलब जीरो। अगर उन्हें 150 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए तो तुम्हें उसे खरीदने में जीरो इश्यूज आने चाहिए। तुम्हें सोचना भी ना पड़े कि 150 ग्राम प्रोटीन में कितना खर्चा आता है। तुम्हारे पास इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम होनी ही चाहिए। सब्जी वाले से सब्जी लेनी हो तुम्हें रेट पूछना भी ना पड़े कि ये सब्जी कितने रुपए की किलो है। तुम इकट्ठा सब्जी खरीदो, पैकेट में डालो, टोटल बिल पे करके आ जाओ। मॉल में जाओ तो खाने वाली चीजों का MRP पढ़ना भी ना पड़े। बिना किसी टेंशन के खाने वाली चीजें तो ले ही सको, ऐसा तो बनना ही पड़ेगा। और नहीं बन सकते तो प्लीज डोंट हैव किड्स, उनकी लाइफ और जेनेटिक्स दोनों वीक कर दोगे। गेट ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये पॉइंट जरूरी है बिकॉज ये डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट से कनेक्ट होने वाला है। यू नीड टू बिल्ड मसल्स एंड पर्सनैलिटी। तुम्हें अपने फेस को मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा। फेशियल एक्सरसाइजेस कर, बॉडी फैट लूज कर, मसल बिल्ड कर, थिकर नेक पाकर। ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर लुक्स की प्लेलिस्ट है, यू कैन चेक इट आउट। अगर हाइट छोटी है तुम्हें अपनी हाइट को फ्रॉड करना पड़ेगा। अगर सर पर गंज पड़ा है तो तुम्हें विक्स पहननी पड़ेगी या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तुम्हें अपने सोशल स्किल्स को एक ऐसे लेवल तक डेवलप करना पड़ेगा कि तुम किसी भी लड़की से बेझिझक होकर बात कर सको। तुम्हें अपने आप को इस लेवल तक इम्प्रूव करना पड़ेगा कि तुम किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सको। अगर तुम इस वक्त दिन रात IIT JEE के लिए प्रैक्टिस करते रहते हो और लुक्स को सड़ने दे रहे हो, पेट को पड़ने दे रहे हो, बालों को झड़ने दे रहे हो, then it is over for you. और ये सेल्फ इंप्रूवमेंट जरूरी क्यों है? Let us talk about the next point. Find a wife with good genes. जीन्स मतलब जेनेटिक्स। अब देखो, गुड जीन्स वाली वाइफ ढूंढने के लिए तुम्हें खुद को तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी तो उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। यू विल नीड अ गुड लुकिंग वाइफ क्योंकि तुम्हारे जेनेटिक्स एवरेज हैं या फिर बेलो एवरेज हैं। पर अगर तुम एक अबव एवरेज वुमन ढूंढ लेते हो तो आपके ऑफस्प्रिंग्स काफी ज्यादा जेनेटिकली ब्लेस्ड हो सकते हैं। अपनी फ्यूचर वाइफ ढूंढते वक्त तुम्हें सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, उसकी मम्मी मोटी ना हो। बच्चे अपने पेरेंट्स पर जाते हैं। हो सकता है तुम जो लड़की ढूंढो वो दिखने में इस वक्त अबव एवरेज हो, काफी ब्यूटीफुल हो, फिट हो, स्लिम हो, बट फ्यूचर में मोटी हो जाए, क्योंकि एजिंग हैपेंस, मेटाबॉलिज्म स्लोस डाउन। अब तुम फ्यूचर में तो नहीं जा सकते देखने की ये लड़की फ्यूचर में कैसी दिखेगी, बट तुम उसकी मम्मी देख सकते हो, बिकॉज शी विल बी द क्लोजेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हर। अगर उसकी मम्मी 35-40 साल की उम्र में ओवरवेट हो चुकी है, देन आपको दिमाग में एक पॉसिबिलिटी तो रखनी है कि मे बी आपके जो बच्चे होंगे वो भी मोटे हो जाएं, इजिली फैट गेन कर लें और उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो, मसल बिल्डिंग पोटेंशियल कम हो। नंबर 2, उसके पापा और मामा की हाइट। यू हैव टू मेक श्योर कि लड़की के पापा या फिर मामा 5 फीट 6 इंच से तो लंबे हो ही। और अगर आप बहुत छोटे हो हाइट में, आपको कोशिश करनी है कि लड़की के पापा या मामा 6 फीट से ज्यादा लंबे हैं, क्योंकि कितने लंबे आपकी वाइफ के पापा या मामा है उस पर ही डिपेंड करते हैं चांसेस कि आपका बेटा 6 फीट से ज्यादा लंबा होगा या नहीं होगा। नंबर 3, हेरिडेटरी बीमारी। आपको ध्यान देना है कि आपकी फ्यूचर वाइफ की ब्लड लाइन में किसी भी तरह की बीमारी ना हो, लाइक कोलेस्ट्रॉल, अल्जाइमर्स, BP, शुगर, आईसाइट वीक होना, हेयरिंग एबिलिटीज कम हो जाना, IQ कम होना, क्योंकि जितनी आपकी वाइफ की लीनियज में कम बीमारियां होंगी उतने ही हायर चांसेस हैं कि आपके ऑफस्प्रिंग में भी कम बीमारियां होंगी। आपको साथ में मेक श्योर करना है कि आपकी वाइफ की मैक्सिला ये वाली बोन और मैंडिबल ये वाली बोन रिसेस्ड ना हो, मतलब पीछे को ना हो, फॉरवर्ड ग्रोन हो, क्योंकि अगर ये रिसेस्ड हुई तो देयर इज अ हाई चांस तुम्हारे ऑफस्प्रिंग का भी फेस रिसेस्ड एंड अगली होगा। अब मैं ये भी मानता हूँ कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नाम की चीज भी होती है, जो कि एक लॉटरी है बेसिकली, जिसके कारण ये भी हो सकता है कि 2 अगली लोगों का बहुत गुड लुकिंग बच्चा पैदा हो जाए, बट स्टिल चांसेस एक ब्यूटीफुल कपल के ज्यादा होते हैं टू गिव ब्यूटीफुल ऑफस्प्रिंग्स। हियर आई एम अज्यूमिंग कि आपका ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल होगा, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट फीमेल लुक्स मैक्सिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे ही आपका बेटा जन्म लेता है आपको मेक श्योर करना हो ब्रेस्ट फीडिंग ही करे, और आजकल के अमीरों के चोचले ना करे, जैसे कि निप्पल वाली बोतल से दूध पीना एटसेट्रा एटसेट्रा। आई विल रिकमेंड कम से कम 3 साल या ज्यादा ज्यादा 5 साल की उम्र तक वो ब्रेस्ट फीडिंग ही करे, क्योंकि उससे उसकी फेशियल बोन्स बहुत ज्यादा फॉरवर्ड ग्रो होंगी और नेचुरली ही एक परफेक्ट स्वेलो पैटर्न डेवलप कर लेगा।
ये वाला, वो नेचुरली ही म्यूइंग भी करना शुरू कर देगा, उसकी मैक्सिला भी फॉरवर्ड आएगी, मैंडिबल भी फॉरवर्ड आएगी। इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग ही करे। मिल्क, वो फर्स्ट 3 to 5 ईयर्स तक जो भी खाना खाए वो सिर्फ दूध हो, कोई भी तरह का बच्चों का सीरियल ना खाए जो पाउडर बेस्ड होते हैं, क्योंकि माँ के दूध से ज्यादा नेचुरल और हेल्दी कोई भी चीज नहीं होती बच्चे के लिए। इसीलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी वाइफ जितना हो सके पॉसिबल उतनी बेस्ट डाइट खाए, फिल्ड विद हाई प्रोटीन, गुड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर उसकी डाइट गंदी होगी तो देर इज नो वे वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर अपने बच्चे को हेल्दी मिल्क प्रोवाइड कर पाएगी। आफ्टर 3 ईयर्स, जैसे ही वो 3 साल की उम्र को क्रॉस कर लेगा, यू हैव टू मेक श्योर वो जितना हो सके उतना सोए, फिर चाहे उसे 24 घंटों में 25 घंटे क्यों ना सोना पड़े, पर लेकिन जितना हो सके वो उतना सोए, क्योंकि सोना उसकी बॉडी को अलो करेगा ग्रो करने के लिए। वो जितना सोएगा उतना ही उसका ब्रेन हेल्दी रहेगा और बॉडी की हार्मोन प्रोडक्शन सही तरीके से होगी। आपको उसको स्विमिंग में डलवाना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, स्विमिंग से बेटर एस्थेटिक्स के लिए कोई स्पोर्ट नहीं है। स्विमिंग करने से आपकी ओवरऑल फ्रेम वाइड होगी एंड आपके क्लेविकल्स जो कि ये बोन होती है ये एक्सट्रीमली ब्रॉड हो जाएगी, आपका रिब केज भी बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा एंड आपकी वेस्ट एस्थेटिकली स्लिम रहेगी। पर ये चीजें तभी पॉसिबल हैं अगर आप ये सब उसको बचपन से ही करवाओगे, क्योंकि बाद में चीजें काम नहीं करती। तो कम से कम 3 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक उसको स्विमिंग करवानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उससे उसकी फिजिक जो है वो मॉडल लेवल पर पहुंच जाएगी। जब वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दे तो आपको ध्यान रखना है उसकी ओरल पोस्चर और हैबिट्स खराब ना हो। आपको ध्यान देना है कि वो अपने कहीं अंगूठे को ना चूसता रहे दिन भर, वो अपनी टंग से कहीं अपने ऊपर के दांतों पर प्रेशर ना अप्लाई करता रहे, क्योंकि उससे उसकी मैक्सिला खराब हो जाएगी। अगर आप लकी हो तो वो ब्रेस्ट फीडिंग की आदत की वजह से खुद ही म्यूइंग करने लग पड़ेगा, पर अगर वो नहीं कर रहा तो वो आपको खुद सिखाना पड़ेगा कि म्यूइंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। भले ही आपको म्यूइंग शिट लगती हो, एक मजाक लगता हो, पर आपको समझना पड़ेगा कि एक 3 साल के बच्चे के लिए जिसका स्कल अभी डेवलपमेंट फेज में है और दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, वो अगर म्यूइंग करेगा तो उसे बहुत ट्रिमेंडस बेनिफिट्स नजर आएंगे। आपको उसे अपनी पीठ पर सुलाना भी सिखाना पड़ेगा ताकि वो नेचुरली चिन टक के पोजीशन में रहे इस तरह से और उसका स्कल फॉरवर्ड को ग्रो। After 6 years, जब वो 6 साल का हो जाए तो आपको उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है वर्कआउट्स का। लुक, हम सब अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन है जो कि जिम कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन में कभी पुशअप मारना भी नहीं सिखाया और ना ही हमने उन्हें अपनी आंखों से बचपन में पुशअप मारते हुए देखा है। उस वजह से हमारे लिए वर्कआउट्स एक नेचुरल इंस्टिंक्ट वाली चीज नहीं है। हमें मोटिवेशन चाहिए होती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जस्ट टू वर्कआउट। बट अगर आप अपने बेटे को बचपन से ही पुशअप मारना, पुलअप मारना, स्क्वाट मारना खाओगे और साथ में खुद भी कर एक एग्जांपल सेट करोगे तो वो खुद ही इस चीज में इंटरेस्टेड हो जाएगा। एंड छोटे बच्चे तो वही करना पसंद करते हैं जो उनके पेरेंट्स कर रहे हो, इसलिए दे विल स्टार्ट कॉपिंग यू। तो आपको उन्हें पुशअप मारना, पुलअप मारना और स्क्वाट मारना सिखाना चाहिए एंड साथ में ही खुद भी करना चाहिए, ताकि वो बचपन से एक ऐसे एनवायरमेंट में बड़े हों जहां पर वर्कआउट एक बेसिक नेसेसिटी हो और उनके लिए वर्कआउट एक डेली ब्रश करने जैसी हैबिट बन जाए। इसी समय पर आपको उसे जितना हो सके उतनी तरह के स्किल्स सिखाने चाहिए। अगर आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की होगी तो आपने स्किल डेवलपमेंट भी की होगी, लाइक गिटार, कीबोर्ड, क्रिकेट, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। एक 6 साल के बच्चे का ब्रेन बहुत ज्यादा फ्रेश और वाइब्रेंट होता है। आप उसको उस उम्र में जो भी स्किल सिखाओगे आपका बच्चा उसे बहुत जल्दी कैच करेगा और प्रैक्टिस भी करने लग पड़ेगा। अब हो सकता है आपने कोई भी स्किल ना सीखा हो, तो उस केस में आप यूट्यूब से खुद सीखकर उसे सिखा सकते हो या फिर उसको कोई कोच हायर करके दे सकते हो। बट आई विल रिकमेंड आप खुद स्किल सीखो और उसके लिए एग्जांपल सेट करो कि मेरे पापा तो ऐसा करते थे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, मेक श्योर उसको सिंगिंग तो सिखाना ही सिखाना, चाहे खुद ना आती हो किसी कोच के पास भेज देना। उससे फ्यूचर में उसकी आवाज बहुत ज्यादा डीप और रिच हो जाएगी। ऑल्सो आप सबको पता है आज के टाइम पर सिंगर्स एक्टर से भी बड़े पॉप स्टार्स बन चुके हैं। मेन स्ट्रीम पर्सनैलिटीज आज के टाइम पर सिंगर्स ही बनती हैं। आफ्टर 11 इयर्स ऑफ एज, वंस ही टर्न्स 11, तो उसका स्कल 70% डेवलप हो चुका होगा। इस टाइम पर आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपके और आपकी वाइफ के फेस में किसी भी तरह का नेगेटिव फीचर है, क्या वो आपके बेटे के फेस में भी आ रहा है? लाइक मे बी अगर आपका और आपकी वाइफ दोनों का नाक टेढ़ा है तो क्या वो बच्चे के फेस पर भी नजर आ रहा है? अगर आपको उसके फेस में भी सेम नेगेटिव्स दिखते हैं तो आपको उनकी सर्जरी करवा देनी है। हो सकता है उसके दांत एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं आपकी और आपकी वाइफ की तरह, तो आपको उसको ब्रेसिस से फिक्स करवाना है, क्योंकि बाद में 17-18 साल की उम्र में ब्रेसिस ढंग से काम नहीं करते हैं और सर्जरीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आफ्टर 15 ईयर्स, जब वो इस एज पर पहुंच जाएगा तो आपको मेंटली बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस पर। वो गलती से भी पोर्न का कंज्यूमर नहीं बनना चाहिए। आपको खुद बैठकर उसके साथ
एक बार पोर्न देखना चाहिए और उसकी वो क्यूरियोसिटी खत्म कर देनी चाहिए, ताकि जो मेरे केस में हुआ कि मेरे दोस्तों ने मुझे पोर्न दिखाया कि देख देख तुझे तो पता भी नहीं, तू तो लूजर है, वो वाला सिचुएशन में वो ना जाए। एंड उसके लिए वो फॉरबिडन फ्रूट टेस्ट करूंगा, वो वाली फीलिंग हट जाए। फिर आपको उसके मन में पोर्न को लेकर हेट पैदा करनी है, आपको बताना है कि कैसे पोर्न सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, फैमिली सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ट्रेडिशन कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है और डीजेनरेसी फैला रहा है। आपको उसे बताना है कैसे कोई भी लेजेंडरी आदमी, प्राइड वाला आदमी कभी पोर्न नहीं देखेगा, वो इंस्टेड रियल लाइफ में वुमेन ढूंढेगा। आपको उसे डोपामिन लेवल का कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए और आपको उसे पोर्न के गंदे गंदे साइड इफेक्ट्स दिखाने चाहिए। आपको उसे मार्वल के सुपर हीरोज की जगह उसके लोकैलिटी के हीरोज दिखाने चाहिए, लोकैलिटी के किंग्स दिखाने चाहिए जिन्होंने कुछ ना कुछ हासिल किया हो उसकी स्टेट के, उसके डिस्ट्रिक्ट के, ताकि उसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए अपने एंसेस्टर्स को लेकर और एक सेंस ऑफ प्राइड आए अपनी ब्लड लाइन को लेकर। आपको उसे हाई प्रोटीन डाइट खिलानी चाहिए ताकि वो मसल इजिली पुट ऑन कर ले। आपको हर साल उसका टेस्टोस्टेरोन भी चेक कराना चाहिए जब तक वो 20 साल का ना हो जाए, ताकि अगर उसका किसी भी वे में टेस्टोस्टेरोन में डिप आए तो आप उसे फिक्स करवा सको। क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन लो होता है तो एस्ट्रोजन बढ़ता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है तो बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिनसे मे बी बच्चे की हाइट 4-5 इंच तक घट जाए, मे बी उसकी जॉ लाइन की ग्रोथ ही रुक जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। एंड लास्ट में आपको उसे एक अच्छी स्किन केयर रूटीन पर रखना है ताकि उसकी स्किन पर कोई भी एक्ने मार्क ना आए और ना एक्ने आए, और अगर आ रही है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर उसे फिक्स करवाना चाहिए उसकी स्किन के हिसाब से। एंड वंस वो 18 साल का हो जाता है आपको जल्दी से जल्दी उसका लाइसेंस बनवाकर उसको बाइक या कार ले देनी चाहिए, ताकि वो पीजेंट्स की तरह बस में ट्रैवल करने में अपना समय बर्बाद ना करे, इंस्टेड उसे जहां जाना है वो उसी वक्त इनिशिएटिव लेकर जा पाए और उसे किसी के सहारे बैठना ना पड़े। अब लास्ट में मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज मुझे इसका आंसर जरूर देना। दैट इज जिससे आपका एक ट्विन ब्रदर है जिसको मैं पाल रहा हूँ इन सारी गाइडलाइंस के साथ जो कि मैंने अभी बताई, और अब आप दोनों 20 साल के हो चुके हो, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा इस लाइफ में विन्स लेगा, कौन ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा, कौन ज्यादा अचीवर बनेगा, किसके हायर चांस है एक सेलिब्रिटी बनने के, किसके हायर चांस है एक एथलीट बनने के, किसके हायर चांस है स्टडीज में ग्रो करने के? प्लीज ऑनेस्टली नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल करने के लिए, चेक आउट डिस्क्रिप्शन राइट नाउ। डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिलेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो।